कैंडिड वी जेल के अंदर जो क्लोट्रिमाजोल है वो 2% वेट बाई वेट होता है, और कैंडिड वी जेल का जो यूज है वो महिला जननांगों में अगर फंगल का इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने में इस क्रीम का यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, डोज आपको कैसे लेनी है, किस प्रकार से इस क्रीम का यूज करना चाहिए, सभी प्रकार की जो जानकारी है इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें, जिससे आपको कैंडिड वी जेल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर जो कैंडिड वी जेल है, इसके अंदर जो क्लोट्रिमाजोल है वो 2% होता है। क्लोट्रिमाजोल जो है वो एक एंटी फंगल मेडिसिन है, और क्लोट्रिमाजोल क्या करता है, ये फंगल की जो सेल वॉल की जो ग्रोथ है उसको ये नहीं होने देता, जिससे आपको जो फंगल का इन्फेक्शन हुआ है वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। ये फंगल के इन्फेक्शन को ठीक करने के साथ साथ में अगर आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है जननांगों के आसपास, तब भी आप इस जेल का यूज कर सकते हैं। इस क्रीम का जो यूज है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों ही तरीके से किया जाता है। इस जेल की पैकेजिंग जो है वो आपको 30 ग्राम और 60 ग्राम के अंदर मिल जाएगी, और इसकी जो प्राइस है वो आपको 70-80 रुपये से लेके 100 रुपये या 120 रुपये तक आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। हो सकता है इसका ब्रांड नेम कोई और हो, लेकिन जो इसका जो जेनरिक नेम है क्लोट्रिमाजोल वो इसके अंदर सेम ही रहेगा। अब जान लेते हैं क्लोट्रिमाजोल की ये जो कैंडिड वी जेल है इसके यूजेज क्या क्या हैं, क्या क्या किस किस में इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। अब इसके यूजेज के बारे में जान लेते हैं कि कैंडिड वी जेल के क्या क्या यूजेज है। अगर किसी महिला को जननांगों के अंदर या जननांगों के भीतरी भागों में या जननांगों के बाहरी भागों में फंगल का इन्फेक्शन हो गया है तो इस जेल को आप अप्लाई कर सकते हैं। महिला जननांगों में अगर फंगल का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हम वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं या वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अगर महिला के जननांगों में फंगल का इन्फेक्शन हो गया है तो महिला जननांगों में स्वेलिंग, इचिंग, जलन या फिर उनको मूत्र त्यागते वक्त दर्द हो सकता है, या फिर महिला अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना रही है उस टाइम पे भी उसको दर्द हो सकता है, और जननांगों के अंदर आपको रेडनेस भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है और दर्द भी हो सकता है, और साथ साथ में आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। कभी कभी अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा टाइम तक अगर रह जाता है तो ये इन्फेक्शन आपके गर्भाशय तक भी पहुंच सकता है और आपको प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए समय रहते हुए इस प्रॉब्लम का या इस इन्फेक्शन का आपको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना चाहिए, देर इसके इन्फेक्शन के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे आपने जहाँ पे इस क्रीम को या इस जेल को अप्लाई किया है वहाँ पे आपको रेडनेस हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन आपको हो सकता है, या फिर इचिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ये कुछ साइड इफेक्ट आपको इस क्रीम या जेल को लगाने के बाद में हो सकता है। अब जान लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। इस क्रीम के साथ में आपको एक एप्लीकेटर मिलेगा जो कि इस टाइप का एक एप्लीकेटर होता है। ये एक प्लास्टिक का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, इसको एप्लीकेटर बोलते हैं, वो आपको क्रीम के साथ में मिलेगा। अगर जननांगों के बाहरी भाग में आपको इन्फेक्शन हुआ है तो हाथ की अंगुली से आप लगा सकते हैं। जब भी आप इस क्रीम का यूज करें या इस जेल का यूज करें आपके जो हाथ हैं वो साबुन से धुले होने चाहिए, उसके बाद में ही इस क्रीम का आप यूज करें। अगर आपको फंगल का इन्फेक्शन जननांगों के भीतरी भागों में हुआ है तो इस एप्लीकेटर की सहायता से आप इस क्रीम को या इस जेल को लगा सकते हैं। इस कैंडिड वी जेल का जो यूज है वो आपको 7 दिनों तक करना है। अगर पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन है तो लगातार 14 दिन तक भी इस वी जेल का यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कैंडिड वी जेल को किस तरह से लगाना चाहिए। सबसे पहले आपके हाथ साबुन से धुले हुए होने चाहिए, उसके बाद में जो एप्लीकेटर है उसको क्रीम के ऊपर के हिस्से पे ऐसे इस तरीके से उसको फिट कर लेना है, उसके बाद में पीछे से पुश करके और इसके अंदर दवा को इंजेक्ट कर लेना है जितनी आपके डॉक्टर ने आपको बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर 3 ग्राम या 5 ग्राम तक इसकी दवा का एक बार में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर आपको बेड के ऊपर लेट जाना है और घुटने अपने चेस्ट की तरफ करके लेटे हुए रहना है। उसके बाद में आपको इस एप्लीकेटर में जो दवा आपने भरी है उसको अपने जननांगों के भीतर पुश करना है। पुश करने के बाद में पीछे से इसके अंदर जो दवा भरी हुई है उसको आपको जननांगों के अंदर इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद में थोड़ी देर आप बेड पे 10 से 15 मिनट तक आप बेड पे लेटे रहें, जिससे आपकी जो दवा अंदर पुश हुई है या इंजेक्ट हुई है वो बाहर ना निकल सके। उसके बाद में अपने हाथ साबुन से आप धो लीजिए और एप्लीकेटर को भी आप साथ साथ में धो लीजिए। कभी कभी एप्लीकेटर आपको एक मेडिसिन के साथ में एक ही मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको 3 या 4 एप्लीकेटर भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेटर ज़्यादा है तो आप रोज़ डेली एक एप्लीकेटर को चेंज करके भी इस दवा को, जैसे मैंने बताया है कि एप्लीकेटर की सहायता से इसके अंदर आपको
दवा भरनी है, उसके बाद में जननांगों के अंदर इसको पुश करना है, उसके बाद में जो इसके अंदर जो दवा भरी हुई है उसको अपने जननांगों के भीतर इंजेक्ट कर लेना। 10 से 15 मिनट तक बेड पे लेटे रहना है। इस प्रकार ये दवा काम करना शुरू कर देती है। इस दवा का जो यूज है वो आपको रात को सोते वक्त करना ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे मेडिसिन का जो असर है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। इस मेडिसिन का जो असर है वो आपको 3 से 5 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है और जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। इस जेल का जो यूज है वो प्रेगनेंसी के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर आपको कुछ लिमिटेड टाइम जैसे 3 से 4 दिन तक आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इस क्रीम का यूज कर रहे हैं तो कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले जो सावधानी आपको रखनी है, अपने पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। दूसरा, अगर आपको पीरियड चल रहे हैं तब भी आप इस क्रीम का या इस जेल का यूज नहीं कर सकते। किसी दूसरे के साथ में इस क्रीम को शेयर नहीं करना चाहिए। ये इसके अंदर आपको कुछ सावधानी रखनी है। साथ साथ में आपके जो हाथ है वो धुले हुए होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के भी काम आ सके। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पर आपके लिए लेके आते रहते हैं।